जीएस वाले खान सर नाम तो आपने सुना ही होगा। इस बार खान सर सोशल मीडिया पर जमकर एक्सपोज हो रहे हैं और लोगों ने उनके खिलाफ ट्विटर पर एक हैशटैग भी चलाया हुआ है। अचानक से खान सर के नाम का हैशटैग चलने के पीछे का कारण क्या है, उनको हिंदू होना, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खान सर ही अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब ने खुद एक वीडियो में अपने असली नाम का जिक्र करते हुए बताया है कि उनका नाम खान सर नहीं बल्कि अमित सिंह है और बैंक में भी इनका नाम यही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खान सर खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अचानक से खान साहब चर्चा में क्यों हैं, तो आपको बता दें कि खान साहब की जिस तरह से आप अपने वीडियो में एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, इसी बात से यह साबित होता है कि खुद को खान सर कहने वाला अमित सिंह पूरी तरह से संघी विचारधारा का है। और इस बात की तुलना तब शुरू किया जब 24 अप्रैल को खान सर ने इसराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर एक खबर बनाते हुए उन्होंने एक फोटो दिखाया जिसमें एक बच्चा हाथ में बैनर लिए हुए फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरा था। उस बच्चे के लिए जो शब्द खान सर ने इस्तेमाल किया उसके बाद उनकी जो संगी चेहरा था वो खुलकर सामने आ गया और फिर शुरू हुआ उनका जमकर विरोध। ऐसा नहीं है कि खान सर का ये पहला वीडियो क्लिप्स है जो विवाद का कारण ना दिखता हो, इससे पहले भी इन्होंने अपनी कई वीडियो में मुसलमानों को टारगेट किया है। एक वीडियो में वे एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं, दूसरी वीडियो में बता रहे हैं कि असल में वो तो खान है ही नहीं और खुद से ही अपना नाम अमित सिंह बता रहे हैं। खान सर को जो लोग नहीं जानते वो जान लें, पटना वाले खान सर जीएस यानी जनरल स्टडीज वाले खान सर टीचर हैं। अपने देसी अंदाज और टॉपिक को आसान बनाकर पढ़ाने के नाते इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। YouTube पर वीडियोस बनाकर डालते हैं, इनके चैनल खान सर जीएस रिसर्च सेंटर पर 92 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और महीने के लाख रुपये कमाते हैं। खान सर ने 24 अप्रैल को एक वीडियो डाला था फ्रांस पाकिस्तान के संबंध पर। इसमें एक जगह वो बताते हैं कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते बच्चों की तस्वीर को पॉइंट करके खान सर बोलते हैं, इजरायली में ये बेचरवा बचवा है, इसको क्या पता कि राजदूत क्या चीज़ होता है, कोई पता नहीं, लेकिन फ्रांस को राजदूत को बाहर ले जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पर मत जाओ, अब्बा तो 65 ही रहें, मानो बना ही रहें, ऐसे ही तुम भी करोगे तो बड़ा होकर तुम लोग भी 65 तो पंचर मत साटो वरना तुमको पता ही है कि कुछ नहीं होगा तो चौराहों पर बैठ कर मीट काटेगा तुम लोग बकलोल कहीं क्या, बताइए ये उम्र है बच्चों का यहाँ पर लाने का। उन्होंने एक विशेष धर्म पर टिप्पणी करते हुए उनके लिए पंचर शब्द का इस्तेमाल किया है जो आमतौर पर संघी विचारधारा के लोग एक खास समुदाय के लिए टारगेट करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद खान सर आगे बिना किसी जाति धर्म का नाम लिए एक आबादी विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, लेकिन क्या ही कीजिएगा, 18 से 19 बच्चे पैदा होंगे तो किस काम के आएंगे, कोई बर्तन धोएगा, कोई बकरी काटेगा, कोई पंचर बनाएगा। तो आप खुद सोचिए इस तरह के लोगों के बारे में जो शिक्षा के नाम पर लोगों को भड़काने और अपने एजेंडा को फैलाने का काम करते हैं और लाख रुपये भी कमाते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते नज़र आ रहे हैं कि खान सर का असली नाम अफजल खान है, लेकिन खुद खान सर ही एक वीडियो में खुद को अमित सिंह बताते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो खान सर को खुद सामने आकर लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। इस मामले में लगातार हम आपके साथ इनसे जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।